हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही बढ़िया आसान हेल्दी टेस्टी स्नैक्स की रेसिपी। इसे बनाना बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम बनाएंगे अपना गार्लिक बटर। गार्लिक बटर बनाने के लिए रूम टेम्परेचर पे आपको बटर लेना है। उसमें कुछ चिली फ्लेक्स डाल दें और कुछ ऑर्गेनो डाल दें। ये इनसे थोड़ा टेस्ट बढ़ता है। और ये मैंने यहाँ पर गार्लिक को डाल दिया है। आप अच्छे से कद्दूकस करके या फिर अच्छे से क्रश करके पेस्ट बना के गार्लिक को डाल सकते हो। ये हमारा गार्लिक बटर बन गया है। अब इसके बाद ये मैंने लिए यहाँ पे पनीर की स्लाइसेस, उसके ऊपर डाल रही हूँ मैं ये लाल मिर्च डाल देंगे और अच्छे से दोनों तरफ से कोट कर देंगे लाल मिर्च से। इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा नमक और नमक डाल के हाथों की हेल्प से इस तरीके से स्लाइसेस पे दोनों साइड लगा देंगे। इसके बाद हमने लिए यहाँ पे नॉर्मल ब्रेड, मैंने ले ली है सिंपल ब्रेड जो मिलती है, उसके किनारे को कट कर लेंगे। और ये जो किनारे हम कट कर रहे हैं, आप इनको मिक्सर में घुमा के इनके ब्रेड क्रम्स बना लीजिए, जिसका आप यूज़ कर सकते हो आलू के साथ मिक्स करके ब्रेड पकोड़ा बनाने में, ब्रेड रोल बनाने में। और बस इसको हम बेलन की हेल्प से फ्लैट कर लेंगे। ये एक शीट तरीके की, जैसे शीट बनती है ना, उस शेप में हमारी हो जाएगी सभी ब्रेड। जितने आपको बनाने हैं उतनी आप ब्रेड ले लीजिए और एक शीट बना के रेडी कर लीजिए। अब इसके ऊपर लगाएंगे हमारा गार्लिक बटर। इससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है, ये टेस्ट को बहुत ज़्यादा इन्हांस कर देता है। सिंपल बटर की जगह यही वाला बटर इस तरीके से बना के लगाएं। और ये यहाँ पे मैंने रख दी है पनीर की स्लाइस और उसको रोल कर दिया है। इस तरीके से हमें बना लेना है। सभी ब्रेड के अंदर हम पनीर के स्लाइसेस को रख के रोल कर लेंगे। बस इनको थोड़ा सा बटर डालना है अपने पैन के ऊपर और इनको थोड़ा सा दोनों साइड से गोल्डन कर लेना है। बटर में इनको सेक लीजिएगा, इससे थोड़ा ये क्रिस्प हो जाएंगे और अच्छे भी लगेंगे बाद में खाने में। दोनों साइड पे बटर अप्लाई कर लीजिए थोड़ा सा और दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन कर लीजिए। ये रेसिपी बहुत ही आसान है और खाने में तो बहुत ही बढ़िया लगती है और हेल्दी भी है। आप अगर नॉर्मल सैंडविचेस से बोर हो गया तो ये आप रेसिपी को ट्राई करें। अभी मैंने इसको निकाल लिया प्लेट में। अब इसको मैं सर्व करूँगी, बीच से कट करके मैं इसको सर्व करने वाली हूँ। बीच से कट करके मैं आपको दिखाऊँगी कितना बढ़िया लग रहा है। सेंटर का जो पार्ट है ये देखिए, कितना बढ़िया सा स्नैक्स है। आप अपने फ्रेंड्स के लिए इसे बनाइए, घर वालों के लिए बनाइए, इसे ट्राई करिए। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। मिलते हैं अगले रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।